नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CMI फुलेरा में। यहाँ पे आपको मिलते हैं 11, 12th, BSc, MSc मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस। आज की क्लास BSc फाइनल ईयर की है। कल हमने डिस्कस किया था एग्जांपल नंबर 1.5.1, आज उससे अगला एग्जांपल 1.5.3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दें क्या है एग्जाम्पल नंबर 1.5.3। तो 1.5.3 ध्यान दे क्या है, प्रदर्शित करिए कि आर्गेंड चित्र में एक सरल रेखा का समीकरण निम्न रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये दिखाना है आपको। ध्यान दे, बुक में अलग मेथड से है और मैं अलग मेथड से करवा रहा हूँ। कल जो हमने किया था ना, सेम टू सेम उसी मेथड का उपयोग करते हुए कर रहे हैं हम। कल वाले एग्जांपल के में जो मेथड लिया था हमने, उसी का उपयोग करते हुए। ठीक है, ध्यान रहे। आज ऑडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिल सकता है आपको, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। ध्यान रहे भाई। तो सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, माना सरल रेखा, ठीक है, बिंदु पी जेड वन तथा क्यू जेड टू से गुजरती है, और एक और माना सरल रेखा पर कोई बिंदु जेड स्थित है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक सरल रेखा ली है जो पी बिंदु जेड वन और क्यू बिंदु जेड टू से गुजरती है, और इसी के ऊपर एक बिंदु लिया है जेड। तो जेड कोई चर बिंदु है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बोल रहा हूं मैं, तीन बिंदु हो गए। एक तो हो गया जेड वन, एक जेड टू, इन दोनों बिंदुओं से तो सरल रेखा गुजर ही रही है, और एक चर बिंदु ले लिया इसके ऊपर जेड। ठीक है, तो अब ध्यान दें, माना जेड वन बराबर एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, जेड टू बराबर एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू, और जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इस तरीके से। ठीक है, सेम इन्हीं पॉइंट्स को मैं यूं भी बोल सकता हूं, ध्यान दें, सेम टू सेम इन्हीं पॉइंट्स को इस तरीके से एक्स वन इधर ध्यान दे भाई, इसी पॉइंट को सेम टू सेम क्या बोल सकते हैं, एक्स वन कोमा वाई वन, इस पॉइंट को एक्स टू कोमा वाई टू, और इस पॉइंट को एक्स थ्री कोमा वाई थ्री। ठीक है, तो अब ध्यान दे कंसेप्ट क्या लगाने वाले हैं कि एक पॉइंट, सॉरी एक्स कोमा वाई, ठीक है, ये क्या होगा एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो ध्यान दे क्या कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो तीन पॉइंट हो गए मेरे पास में, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, और एक्स कोमा वाई। ठीक है, कुल मिला के तीन पॉइंट है। तो एक सरल रेखा का समीकरण चाहिए जो इन तीन पॉइंट से गुजर रही है, जेड वन जेड और जेड टू। अब यदि आप इसको ढंग से देखो तो ये जो तीनों बिंदु हैं एक तरीके से समरेखीय बिंदु हैं, एक ही रेखा पर स्थित है, तो इन तीनों बिंदुओं से कोई त्रिभुज बनेगा क्या, इन तीनों बिंदुओं से कोई त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक है, तो जब इन तीनों बिंदुओं से कोई त्रिभुज बन ही नहीं सकता तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक तरीके से मैं यूँ बोल सकता हूँ कि जेड वन जेड और जेड टू इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जीरो। तो बिंदुओं पी क्यू आर से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। और अब यदि मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूं, जैसे कल निकाला था सारणिक का उपयोग करते हुए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एक बटा दो एक्स एक्स वन एक्स टू, ये तीन ही बिंदु हैं एक्स एक्स वन एक्स टू,
फिर उसके बाद में आ जाएगा वाई वाई वन वाई टू, तो यह है एक बटा दो एक्स एक्स वन एक्स टू वाई वाई वन वाई टू वन वन वन। ये ट्वेल्थ क्लास में फॉर्मूला था किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सारणिक विधि से, कि तीन बिंदु दिए हुए हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। इस क्वेश्चन में ये होगा जीरो के बराबर, क्यों? क्योंकि तीनों बिंदु सरल रेखी हैं, तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो कोई त्रिभुज बन ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा जीरो। उससे आगे, अब इससे आगे क्या कर रहे हैं, इस सेकंड कॉलम को आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो सेकंड कॉलम को आयोटा से मल्टीप्लाई किया है तो आयोटा से भाग भी देना पड़ेगा, नहीं तो सारणिक का मान आयोटा गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ को आयोटा से गुणा कर रहे हो तो मान में भी उतने का ही परिवर्तन आ जाएगा, तो हमें मान वही रखना है तो इसलिए आयोटा से भाग भी दे दिया। तो ये हो गया आयोटा वाई, ये हो गया आयोटा वाई वन, ये हो गया आयोटा वाई टू, और ये वन 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 बराबर में जीरो। ठीक है, अब इससे आगे तो ध्यान दें, इससे आगे क्या होगा, ये वन अपॉन टू आयोटा तो गया जीरो में, तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ सी टू में। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ? सी टू प्लस सी वन, सी टू और सी वन को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ो तो ये एक्स एक्स वन एक्स टू, सी वन तो ऐसे कैसे, इस सी टू को जोड़ो तो आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई वन, ये एक्स वन प्लस सॉरी एक्स प्लस आयोटा वाई, ये एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, ये एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू, कि भाई सी वन और सी टू को जोड़ा है, सी टू में ऑपरेशन लगाया है सी टू प्लस सी वन, और ये वन 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 इस तरीके से, और बराबर में जीरो ही रहेगा। तो अब यदि मैं इसको देखूँ तो ये हो गया एक्स एक्स वन एक्स टू, और ये देखो जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन जेड वन, एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू जेड टू, और ये वन वन वन, और बराबर में क्या चल रहा है साथ में जीरो। क्लियर, अब इसका प्रसार कर दो। ठीक है, तो ध्यान दें किसके सापेक्ष करें, सी के सापेक्ष, तो सी वन के सापेक्ष, तो पहले कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर दिया, तो सी वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो ध्यान दें सी वन के सापेक्ष यदि आप प्रसार करोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये गया तो जेड वन माइनस जेड टू, तो जेड वन माइनस जेड टू, अब माइनस एक्स वन इसी तरीके से करते हैं, प्लस से माइनस प्लस, तो माइनस एक्स वन, तो एक्स वन के साथ में क्या आ जाएगा जेड माइनस जेड टू, तो एक्स वन के साथ में आ जाएगा जेड माइनस जेड टू, और लास्ट लास्ट में एक्स टू, एक्स टू के साथ में क्या आ जाएगा जेड माइनस जेड वन, और बराबर में जीरो चल ही रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले x के हिसाब से z1 माइनस z2, फिर x1 के लिए z माइनस z2, और फिर x2 के लिए z माइनस z1 बराबर जीरो। और अब x x1 x2, देखो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि यदि z बराबर x प्लस आयोटा y है तो x को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, ध्यान रहे भाई। तो ये जो x है इसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, और इसके साथ में z माइनस z1, ये जो x1 है इसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1, इसके साथ में z माइनस z2, और ये जो x2 है इसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z2, और इसके साथ में z माइनस z1 बराबर में जीरो। क्लियर, और एक आइडेंटिटी, ठीक है, एक आइडेंटिटी मैं पहले बता चुका हूँ, कौन सी आइडेंटिटी, कि रियल पार्ट ऑफ z बराबर होता है z प्लस z बार अपॉन टू, जिसको कि हम x भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखवा चुका हूँ जब संयुग्मी के गुणधर्म लिखवाए थे तभी, कि z प्लस z बार बाई टू किसके बराबर होता है, x के या रियल पार्ट ऑफ z के। तो सेम कंसेप्ट यहाँ लगा रहा हूँ कि रियल पार्ट ऑफ z इसकी जगह लिख सकते हैं z प्लस z बार अपॉन टू, और ये मल्टीप्लाई होगा z माइनस z1 से। रियल पार्ट ऑफ z1 इसकी जगह लिख सकते हैं z1 प्लस z1 बार अपॉन टू, z1 है ना, तो z1 प्लस z1 बार बाई टू, और ये मल्टीप्लाई होगा z माइनस z2 से। प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 इसकी जगह लिख सकता हूँ z2 प्लस z2 बार अपॉन टू, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा z माइनस z1 से, और बराबर में क्या चल रहा है जीरो। ठीक है, इस तरीके से अभी जो 2 दिख रहा है ना आपको भाई सबके डिवाइड में 2, तो ये 2 तो गया जीरो में, ठीक है, कॉमन आके। तो अब जो बचेंगे केवल उनको सोल्व कर लेंगे, तो ध्यान दें जो बचेंगे उनकी बात कर रहा हूँ केवल। ठीक है, तो जो केवल बचेंगे उनको डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या बचने वाले हैं।
तो अब देखें, करो मल्टीप्लाई जेड इंटू जेड, ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एक तरीके से, ठीक है, जेड इंटू जेड, तो जेड इंटू जेड ये हो गया जेड स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये जेड वन था, देखो जेड वन माइनस जेड टू था भाई, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, तो ये है जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन माइनस जेड टू, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं देखूँ जेड स्क्वायर कहाँ से आ गया, जेड स्क्वायर तो आता ही नहीं है, ठीक है, तो जेड वन माइनस जेड टू था भैया, यहाँ जेड माइनस जेड टू था और यहाँ जेड माइनस जेड वन था, क्लियर। आप करो मल्टीप्लाई, तो जेड जेड वन, तो जेड जेड वन, ठीक है, फिर आएगा जेड जेड टू, तो माइनस ऑफ जेड जेड टू, क्लियर, और फिर जेड बार जेड वन, तो फिर आ जाएगा जेड बार जेड वन, और फिर माइनस ऑफ जेड बार जेड टू, तो माइनस ऑफ जेड बार जेड टू, माइनस, अब इसमें आ जाओ, तो जेड वन और जेड बार, नहीं जेड वन जेड, सॉरी, तो जेड वन जेड माइनस जेड वन जेड टू, तो माइनस जेड वन जेड टू, फिर आ जाएगा प्लस में जेड वन बार जेड, ठीक है, और फिर माइनस में जेड वन बार जेड टू, तो माइनस में जेड वन बार जेड टू, और फिर प्लस में, फिर से वापस प्लस में जेड टू, ठीक है, तो जेड टू जेड माइनस जेड टू जेड वन प्लस में जेड टू बार जेड, ठीक है, माइनस जेड टू बार जेड वन और बराबर में जीरो, इस तरीके से, ठीक है, लास्ट में जेड टू जेड माइनस जेड टू जेड वन जेड टू बार जेड और माइनस जेड टू बार जेड वन, ठीक है। आप देखो कौन कौन कट रहा है और कौन कौन बच रहा है, ठीक है, तो यदि मैं देखूं तो ये जेड जेड वन और कहीं भी है क्या, ये रहा, तो जेड जेड वन से जेड जेड वन कैंसिल, ये माइनस जेड जेड टू, ये रहा माइनस जेड जेड टू, तो ये भी कैंसिल, ठीक है, जेड जेड टू भी, और जेड बार जेड वन कहीं पे है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, जेड बार जेड टू ये भी नहीं है, तो जेड वन जेड टू माइनस माइनस प्लस का जेड वन जेड टू, और ये रहा माइनस का जेड वन जेड टू, ठीक है, कट गया। तो अब जो बच गए उनको लिख लो केवल, तो देखो जो बच गए क्या क्या बच गया, जेड बार जेड वन माइनस जेड बार जेड टू, तो जेड बार जेड वन माइनस जेड बार जेड टू, ये बच गया माइनस का जेड वन बार जेड और माइनस माइनस प्लस का जेड वन बार जेड टू, और बच गया हमारे पास में जेड टू बार जेड और माइनस का जेड टू बार जेड वन बराबर जीरो, ठीक है। अब आप एक तो जेड के कोफिशियंट्स कॉमन लो कि जेड के गुणांक क्या क्या हैं, तो देखो जेड के गुणांक हैं ये रहा जेड, तो इसका गुणांक है जेड टू बार, तो जेड टू बार, और जेड का गुणांक क्या है, ये रहा जेड माइनस जेड वन बार, तो ये जेड टू के गुणांक आ गए, ठीक है, तो ये दोनों ले चुके हैं हम जो जेड के गुणांक से, तो जेड का गुणांक ये और जेड का गुणांक ये, इन दोनों को ले चुके हैं। अब आप लो माइनस जेड बार के गुणांक, कि जेड बार का गुणांक क्या है, तो देखो जेड बार, तो जेड बार ये रहा जेड बार, तो माइनस भी लिया है मैंने साथ में, तो माइनस जेड बार, तो जेड टू बचेगा और यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, तो ध्यान रहे माइनस जेड बार माइनस जेड बार, तो ये आ गया जेड टू और यहाँ आ जाएगा माइनस जेड वन, और जो बाकी टर्म्स बच गई, तो जनरली ये दोनों टर्म भी गई तो बचा कौन, ठीक है, ये दोनों भी ले लिए हमने, ये और ये, ठीक है, तो बचा कौन, एक तो ये टर्म बच गई, तो जेड वन बार जेड टू, और एक ये बच गई। अब देखो ये जो टर्म है भाई, इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जेड वन बार जेड टू होल बार, देखें एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ठीक है, हाँ भाई इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो लिख सकते हैं, मतलब समझो आप कैसे लिख सकते हैं, कि यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, जेड वन बार का बार, तो जेड वन के ऊपर डबल बार हो गया एक तरीके से, जेड वन बार का बार, तो जेड वन बार का बार जेड वन खुद ही हो जाएगा, सही है,
और जेड टू बार, तो जेड टू बार तो है ही है, तो जेड वन बार का बार जेड वन खुद हो गया और जेड टू बार तो जेड टू बार है ही है। तो लिख सकते हैं इस टर्म को एज इट इज, इसकी तरह इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान दें, आप अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो जेड इंटू जेड टू बार माइनस जेड वन बार है, फिर माइनस साथ में जेड बार है, ठीक है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप एक तरीके से, ठीक है, या तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा जेड वन माइनस जेड टू, ठीक है, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो एक तरीके से, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे ना तो आ जाएगा जेड वन माइनस जेड टू बार, सही है, क्योंकि देखो ये था तो इसमें से माइनस कॉमन लिया तो जेड वन बार प्लस का, जेड टू बार माइनस का, और इसमें इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये जो टर्म दिख रही है भैया आपको यहाँ पे, इस टर्म को इसको देखो आप ढंग से, ये जो टर्म दिख रही है ये वाली, इस टर्म को देखोगे इसकी वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो देखो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, तो ये आपको इस तरीके से दिख रही होगी जेड माइनस जेड बार टाइप से, कि आप इस पूरे को जेड कंसिडर करो, तो देखो जेड वन बार जेड टू, जेड वन बार जेड टू का बार, तो ये पूरा यदि हम जेड कंसिडर करें तो यह है जेड माइनस जेड बार, इसी तरीके से है तो जेड माइनस जेड बार, तो जेड माइनस जेड बार, ठीक है, आपको याद हो तो जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आयोटा ये वैल्यू होती है बी की, ठीक है, संयुग्म के गुणधर्म में लिखवाया था, तो जेड माइनस जेड बार बराबर हो जाएगा टू आयोटा बी, ठीक है, तो एक तरीके से जेड माइनस जेड बार टू आयोटा बी होता है। अब टू आयोटा बी जिसके भी साथ में आयोटा लग गया तो वो क्वांटिटी हो जाती है इमेजिनरी नंबर, तो ये जो नंबर है b, इसके साथ में आयोटा लग गया, वैसे तो b रियल नंबर होता है लेकिन इसके साथ में क्या लग गया आयोटा, तो जैसे ही b के साथ में आयोटा लगा तो अब ये बन गया काल्पनिक नंबर, ठीक है, तो एक काल्पनिक संख्या, तो z माइनस जेड बार एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, शुद्ध काल्पनिक संख्या का मतलब है इसका गुणांक केवल आयोटा का गुणांक ही होगा, इसके साथ में केवल आयोटा ही होगा, ठीक है, तो शुद्ध काल्पनिक का मतलब यह है कि केवल और केवल ये काल्पनिक संख्या है, वास्तविक प्लस काल्पनिक, ठीक है, ये तो क्या हो जाती है सम्मिश्र, ठीक है, कि जो a प्लस आयोटा b टाइप से हो, जहाँ a भी रियल हो उसको तो क्या बोलेंगे हम सम्मिश्र, अकेला a हो तो वो शुद्ध वास्तविक, अकेला आयोटा b हो तो वो शुद्ध काल्पनिक, और a प्लस आयोटा b टाइप से हो तो उसको बोलेंगे सम्मिश्र, ठीक है, तो ये अकेला आयोटा b है तो इसको क्या बोला जाएगा काल्पनिक संख्या, तो जो z माइनस जेड बार टाइप से कोई भी संख्या हो तो वो होती है शुद्ध काल्पनिक संख्या, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये जो जेड वन बार जेड टू माइनस जेड वन बार जेड टू का होल बार है, ठीक है, ये तो यहाँ जेड वन बार जेड टू माइनस जेड वन बार जेड टू का होल बार एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, ठीक है, तो एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, अतः माना, तो यदि ये एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है तो बताओ इसको ऐसे मान सकते हैं क्या, ठीक है, बराबर आयोटा टाइम्स सी बोल सकते हैं, क्योंकि जो शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी वो इसी तरीके की तो होगी कि आयोटा का कुछ गुणांक, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है आपको, आप यूं भी समझ सकते हैं एक तरीके से टू बी को सी बोल दिया हमने, ठीक है, तो शुद्ध काल्पनिक संख्या हमेशा इसी टाइप से लिखी जाती है कि आयोटा इंटू कोई कॉन्स्टेंट सी डी के जो भी आप लेना चाहो, ठीक है, तो इसको मैंने आयोटा सी बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, अब ये मिलेगा माइनस जेड जेड वन बार माइनस जेड टू बार प्लस में जेड बार जेड वन माइनस जेड टू प्लस में इसको बोल दिया आयोटा सी, इसकी जगह आयोटा सी बराबर जीरो, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दो, तो माइनस आयोटा जेड जेड वन बार माइनस जेड टू बार प्लस में जेड बार आयोटा जेड वन माइनस जेड टू और ये आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर सी बराबर जीरो, पूरे एक्सप्रेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया। और अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे क्या, देखो यहीं पे माना आयोटा टाइम्स जेड वन माइनस जेड टू बराबर बी, और ये बी क्या है, एक अचर सम्मिश्र संख्या है बी, ठीक है, ले सकते हैं ऐसा, देखो जेड वन और जेड टू क्या थे आपको ध्यान हो तो जेड वन और जेड टू दो पॉइंट्स थे भाई जो कि या जिनसे सरल रेखा गुजर रही थी, वो दो पॉइंट थे जेड वन और जेड टू, और जेड कोई चर बिंदु था, तो ये दोनों तो फिक्स थे,
जेड वन जेड टू, तो फिक्स होने का मतलब ये चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है 1+3 iota, ये है 2+4 iota, इस टाइप से कि जेड वन और जेड टू तो फिक्स हैं, कॉन्स्टेंट है, ये नहीं बदल सकते। जेड बदल सकता है, जेड इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स और वाई वेरिएबल है। तो ये दोनों जब फिक्स हैं तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, फिक्स ही होगा। आप यहाँ पे यदि अंतर निकाल के देखना चाहो तो एक में से दो गया तो -1, तीन में से चार गया तो -1, तो ये मिल जाएगा आपको z1 - z2, ठीक है, ये मिल जाएगा हमको z1 - z2। तो z1 - z2 ये मिल जाएगा, आयोटा से गुणा भी कर दोगे तो कर लो इसको आयोटा से गुणा, तो ये माइनस का आयोटा और माइनस माइनस, ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, ऐसे कैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1+1, तो वापस से क्या मिल गया, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। तो z1 - z2 कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, अचर सम्मिश्र संख्याएं हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट होगी तब भी अचर सम्मिश्र संख्या मिलेगी, आयोटा से गुणा कर दोगे तब भी अचर सम्मिश्र संख्या मिलेगी। तो ओवरऑल ये सारे ऑपरेशन होने के बाद में कोई ना कोई एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और वो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो भी कॉन्स्टेंट ही होगा, तो उसको हमने क्या बोला है, बी, ठीक है, तो उसको बी नोटेशन दिया है हमने। हाँ, जेड चर है तो उस केस में आपको चर मिल सकता है, ठीक है, दोनों तरफ आप कॉन्जुगेट लो, कॉन्जुगेट का मतलब है दोनों तरफ बार लगाओ, तो ये होल बार, इधर बी बार। तो देखो आयोटा का बार मैंने बताया था, बार का मतलब होता है, देखो पहली बात तो बार अलग अलग हो जाएगा सबका, आयोटा का अलग से, जेड वन का अलग से, जेड टू का अलग से, पढ़ चुके हैं संयुग्म के गुणधर्मों में कि बार अलग अलग हो जाता है, और बार का मतलब क्या होता है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, और जेड वन का बार अलग से, जेड टू का बार अलग से, और ये बी बार। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं क्या आपको कहीं, तो देखो आयोटा जेड वन माइनस जेड टू, आयोटा जेड वन माइनस जेड टू, ये रहा माइनस आयोटा जेड वन बार माइनस जेड टू बार, माइनस आयोटा जेड वन बार माइनस जेड टू बार, ये रहा, ठीक है। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं यूं लिख सकता हूं, माइनस जेड, ये जो माइनस आयोटा जेड वन बार माइनस जेड टू बार है, इसकी जगह तो लिख देंगे बी बार, ठीक है, और ये जो आयोटा जेड वन माइनस जेड टू है, आयोटा जेड वन माइनस जेड टू है, इसको लिख देंगे बी, साथ में जेड बार ही, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -c, ठीक है, बराबर 0, और इससे आगे लिखना चाहें तो जेड बी बार प्लस बी जेड बार, और इस सी को उधर भेज दो, बराबर c, और ये प्रूव करना था। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके मानने पर है कि आप b किसको मान रहे हो, ठीक है, आप बुक वाले मेथड से करो तो उसमें किसी अलग जेड टू माइनस जेड वन इंटू आयोटा को बी बोल रखा है, ठीक है। तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या है कि कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट, एक नया कॉन्स्टेंट, ठीक है, नया कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, तो उसको हमने बी नाम दिया, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको क्या सिद्ध करना था, मेरे को ये इक्वेशन लानी थी ना, तो उस हिसाब से मैंने इसको बी ले लिया कि मेरे को यहाँ बी चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है ये, तो ठीक है। तो जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने कंसेप्ट लगाया था सेम वही कंसेप्ट है कि स्ट्रेट लाइन थी तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, और फिर आगे उसी हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान दें, अब इससे अगला आर्टिकल क्या है, वृत्त का समीकरण। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप बुक में देखोगे ना भाई, तो उसमें अलग मेथड्स है, ठीक है, आपको छोटा दिख सकता है, वो एक्चुअल में छोटा नहीं है, आप जब करोगे ना उसको पूरा, क्योंकि बुक में तो क्या होती है, डायरेक्ट स्टेप्स लिखी हुई होती है, कैलकुलेशन हटा देते हैं, डायरेक्ट एक के बाद दूसरी स्टेप लिख देते हैं जो भी रिजल्ट आ रहा होता है। तो ओवरऑल यदि आप उसको भी तरीके से करोगे तो 2-4 स्टेप हो सकती है, इसमें ज़्यादा हो, लेकिन ये क्या है, आपका जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उसी के जैसे करवाया मैंने, उसी से मिलता जुलता, इसलिए इस मेथड से करवाया। तो अब ध्यान दें, अगला जो आर्टिकल है वृत्त का समीकरण, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो वृत्त का समीकरण, ठीक है, इसको बोल सकते हो आप सम्मिश्र रूप में, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो जेड वन केंद्र तथा आर त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण, ठीक है, मोड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू आर द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी सर्कल की इक्वेशन किस तरीके से दी जाती है, जिसका सेंटर जेड वन हो और रेडियस क्या हो आर हो, ठीक है, केंद्र जेड वन हो और त्रिज्या आर हो, तो उसका
जो समीकरण है इस तरीके से दिया जाता है। अब इसको समझोगे ये वृत्त का समीकरण कैसे, तो भाई मैंने आपको पहले बता दिया था जब मोड पढ़ाया था कि मोड हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को या दूरी को। तो ये जेड और जेड वन के बीच की दूरी है, तो देखो जेड वन तो कोई फिक्स पॉइंट है, तो जेड वन तो फिक्स है, आर भी कोई फिक्स कॉन्स्टेंट है। जेड वन तो क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट ए प्लस आयोटा बी टाइप से। आर क्या है, रियल कॉन्स्टेंट। रियल कॉन्स्टेंट समझते हो, दो तीन चार वास्तविक संख्या है आर, ठीक है, और ये सम्मिश्र संख्या है। तो जेड वन कोई फिक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है, अचर सम्मिश्र संख्या है, आर अचर वास्तविक संख्या है। तो ये बोल क्या रहा है एक तरीके से, जेड की जेड वन से दूरी, मैंने मोड का मतलब पहले बता दिया था आपको, डिस्टेंस दूरी, तो जेड की जेड वन से दूरी हमेशा आर है। तो जेड कोई पॉइंट है और जेड वन भी कोई पॉइंट है। अब जेड क्या है, चर बिंदु है, ये बदल सकता है। तो जेड किस हिसाब से बदल रहा है कि इसकी जेड वन से दूरी हमेशा आर है, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है, आर है। तो ये आर डिस्टेंस पे है जेड, तो जैसे जैसे ये जेड चलेगा आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे रखना है आपको, तो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा सर्कल। तो जेड की जेड वन से हमेशा दूरी कितनी है, आर है। तो जेड की जेड वन से जो डिस्टेंस है वो आर रखनी है, तो उस हिसाब से घूमेगा जेड। तो जिस पाथ को फॉलो करेगा या जिस पथ पे चलेगा वो पथ क्या बनेगा, एक वृत्त। तो ये किसी वृत्त का समीकरण है, किसमें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, क्लियर। इसी को आगे सोल्व कर रहे हैं आप, तो देखें दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो ये मोड स्क्वायर, ध्यान रहे मैंने बताए थे गुणधर्म काम में आएंगे बार बार, इसीलिए करवाए थे आपको पहले की तीन क्लासों में, जेड जेड बार बराबर मोड जेड स्क्वायर, ठीक है, मापांक के गुणधर्म में लिखवाया था जेड जेड बार बराबर मोड जेड स्क्वायर। तो मोड जेड स्क्वायर, तो मोड जेड स्क्वायर ये, इस पूरे को जेड कंसिडर करो, तो ये किसके बराबर आएगा, जेड इंटू जेड बार, तो जेड इंटू जेड बार, ठीक है। और अब बार संयुग्मी के गुणधर्म, बार अलग अलग हो जाया करता है, तो ये अलग अलग हो गया, करो गुणा जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू माइनस जेड वन बार, जेड वन इंटू जेड बार, और माइनस माइनस प्लस जेड वन इंटू जेड वन बार, जेड वन इंटू जेड वन बार, और साथ में इस आर स्क्वायर को भी इधर लिया हो, तो माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो। तो ओवरऑल आप इसको देखो तो जेड जेड बार माइनस जेड जेड वन बार माइनस जेड वन जेड बार प्लस में जेड वन इंटू जेड वन बार, ध्यान दें जेड इंटू जेड बार मोड जेड स्क्वायर, तो जेड वन इंटू जेड वन बार इसी के जैसा ही है, मोड जेड वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो। और अब इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं प्लस टाइप से लिख लूँ कि सारी जो टर्म्स हैं उनको प्लस प्लस करके लिख दूँ। तो ये जो माइनस जेड वन दिख रहा है इसको ले लेते हैं अल्फ़ा, कि माइनस जेड वन को क्या ले लिया, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बार क्या हो जाएगा भाई, माइनस जेड वन बार, दोनों तरफ बार ले लो, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, जेड जेड बार, ठीक है, माइनस माइनस जेड वन बार की जगह क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बार जेड, माइनस जेड वन की जगह क्या आ जाएगा, अल्फ़ा जेड बार, प्लस में मोड ऑफ जेड वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो ये किसकी, तो ये एक जनरल इक्वेशन है किसी भी सर्कल की, किसमें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में या सम्मिश्र तल में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, एक वृत्त की इक्वेशन है, वृत्त का समीकरण है, ठीक है, वृत्त का व्यापक समीकरण है एक तरीके से। तो इस वृत्त का केंद्र तो क्या है भाई, इस वृत्त का केंद्र, तो इस तरीके की समीकरण मिलेगी आपको वृत्त की। तो इस वृत्त का केंद्र है जेड वन, याद रहे जेड वन था इसका केंद्र, और जेड वन को ही क्या बोल सकते हो आप, देखो जेड वन माइनस ऑफ अल्फा। और यहां से यदि मैं देखूं तो देखो माइनस की जगह तो माइनस, और अल्फा किसका गुणांक है, अल्फा जेड बार का गुणांक है, तो माइनस ऑफ जेड बार का गुणांक। तो मान लो कभी यदि आपको किसी भी वृत्त का समीकरण इस रूप में दिया हुआ हो कि जेड जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस मोड जेड वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इस टाइप से, अच्छा इस जेड वन की जगह भी अल्फा लिख देना, अल्फा, ठीक है, क्योंकि जेड वन अल्फा के बराबर था, एक्चुअल में माइनस अल्फा है लेकिन माइनस तो मोड की वजह से प्लस हो जाएगा, ठीक है, जेड वन बराबर माइनस अल्फा माइनस मोड की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस। तो यह है किसी भी वृत्त का व्यापक समीकरण, और इसमें यदि आप केंद्र ढूंढो
तो केंद्र क्या दिखेगा आपको, केंद्र था एक्चुअल में जेड वन, जेड वन किसके बराबर है माइनस अल्फा के, तो जेड वन बराबर माइनस अल्फा, और यहाँ से यदि मैं देखूँ तो अल्फा क्या है जेड बार का गुणांक। तो यदि ऐसी समीकरण आपको कहीं भी दी हुई हो और आपसे पूछे कि उस वृत्त का केंद्र बताओ, तो सीधा सीधा आप क्या देख लोगे जेड बार का गुणांक और उसका नेगेटिव, तो जेड बार के गुणांक का नेगेटिव। अच्छा, इसी की मैं त्रिज्या ढूंढूं कि इसकी त्रिज्या क्या होगी भाई, तो त्रिज्या क्या थी वृत्त की आर, सही है, तो त्रिज्या थी आर, और इस आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो अंडर रूट ऑफ, इस आर को यूं लिख दें कि ये जो टर्म है एक्चुअल में, ये जो टर्म दिख रही है ना भाई, ये वाली, इसको आप यूं बोलो, और भी यदि जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये जो दिख रहा है माना मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको कोई कांस्टेंट बोल दो सी, क्यों, क्योंकि देखो मोड, मोड हमेशा एक रियल नंबर होता है, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लो, अल्फा क्या है कोई कांस्टेंट ही तो होगा, जैसे ये ले लिया मैंने अल्फा, ठीक है, और इसका मोड निकालोगे तो आएगा क्या, रियल पार्ट का स्क्वायर तो वन का स्क्वायर वन, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर तो थ्री का स्क्वायर नाइन, तो नौ और एक दस, तो रूट टेन आएगा। तो जो मोड अल्फा होता है वो हमेशा एक रियल नंबर होता है, या यूं बोलूं तो मोड, मोड हमेशा एक रियल नंबर होता है यदि आपका जो नंबर है वो कांस्टेंट है, तो यदि कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट नंबर है, अचर सम्मिश्र संख्या है, तो उसका मोड क्या होगा, कोई ना कोई वास्तविक संख्या, तो ये कोई ना कोई रियल नंबर होगा, ये पहले से ही रियल नंबर है आर, मैंने पहले बोल दिया था दूरी वास्तविक संख्या है, तो ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, तो इनका अंतर भी कोई वास्तविक संख्या, जिसको मैंने क्या नाम दिया है सी, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस तरीके से आएगी, जेड जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस सम सी इक्वल्स टू जीरो, तो ये है एक्चुअल में किसी भी वृत्त का व्यापक समीकरण इस तरीके से, ठीक है, इसको बोलेंगे व्यापक समीकरण, कि जेड जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस सी बराबर जीरो, केंद्र आपको बताइए माइनस अल्फा मीन्स माइनस जेड बार का गुणांक, और अब यदि मैं त्रिज्या की बात करूँ तो देखो त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पे यदि मैं त्रिज्या देखना चाहूँ तो देखो त्रिज्या थी एक्चुअल में आर, और इस आर को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सी, ये था एक्चुअल में सी क्या था, सी था मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को इधर ले आओ तो हो जाएगा मोड अल्फा स्क्वायर माइनस सी, तो इस आर को ऐसे लिख सकते हैं क्या मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट, लिख सकते हैं, देखो यहाँ से इसी को बोला था हमने सी मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को, आर स्क्वायर को इधर लेके आ गए सी को उधर, तो आर स्क्वायर बराबर मोड अल्फा स्क्वायर माइनस सी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, अब आर हमेशा पॉजिटिव ही होती है तो इसलिए, ठीक है। तो केंद्र तो होता है माइनस जेड बार का गुणांक, और त्रिज्या क्या होती है मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। अब वृत्त, अब मैं बोल रहा हूँ वृत्त वास्तविक होगा यदि ठीक है कि वास्तव में वृत्त बनेगा, तो देखो यदि वास्तव में वृत्त बने तो वृत्त बनाने के लिए उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या तो चाहिए, यदि त्रिज्या ही नहीं होगी उसके पास में तो वृत्त बनेगा कैसे भाई, तो वृत्त कब होगा जब त्रिज्या हो, और त्रिज्या कब होगी जब ये वैल्यू क्या हो धनात्मक, आई बात समझ में, क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो, तो आपको यदि वास्तविक व्रत चाहिए कि वास्तव में व्रत चाहिए कि वास्तव में व्रत बने तो उसके लिए उसकी त्रिज्या होनी जरूरी है, क्योंकि यदि त्रिज्या ही नहीं हुई, यदि ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो क्वांटिटी है यदि ये नेगेटिव हो गई तो फिर तो त्रिज्या ही नहीं रहेगी, ठीक है, आयोटा की फॉर्म में, तो काल्पनिक त्रिज्या आ जाएगी, तो काल्पनिक व्रत बनेगा, ठीक है। तो यदि व्रत बने तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसकी त्रिज्या हो, तो त्रिज्या हो तो इसका मतलब त्रिज्या धनात्मक हो, वास्तव में त्रिज्या हो तभी वास्तव में व्रत बनेगा, तो इसलिए ये जो मोड अल्फा स्क्वायर माइनस सी है ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, और यदि मान लो ये जीरो हो गया तो इसका जीरो होने का मतलब क्या है, त्रिज्या जीरो हो गई, तो त्रिज्या जीरो हो गई तो इसका मतलब बिंदु व्रत, उसको क्या बोलते हैं पॉइंट सर्कल, ठीक है, एक पॉइंट बनेगा केवल, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम बिंदु व्रत, तो यदि त्रिज्या जीरो हो गई तो उसको क्या बोला जाएगा बिंदु व्रत। तो किसी भी व्रत का समीकरण इस तरीके से दिया जाता है, इसी को हमने आगे सोल्व किया था, अल्फा बराबर माइनस जेड वन ले लिया था, ठीक है, और उसके बाद में फिर इसको एक सी नाम दे दिया था, और उसके बाद में
ठीक है, जो भी है कि केंद्र के जो निर्देशांक होंगे वो माइनस जेड बार का गुणांक, और जो उसकी त्रिज्या होगी वो इस तरीके से मोड अल्फा स्क्वायर माइनस सी। क्लियर? अभी हम कंपेयर करेंगे इसका किससे, जो आपने पहले वृत्त का समीकरण पढ़ा था 11th क्लास में उससे, तो ये आपको लगभग लगभग उसी के जैसा दिखेगा, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो देखो जेड बार का गुणांक, ठीक है, माइनस अल्फा, कैसे नहीं है ज़्यादा फर्क, यदि मैं आपको समझाना भी चाहूँ तो देखो ज़्यादा फर्क कैसे नहीं है, लगभग उसी के जैसा ही है। वहाँ पे हमारे पास में वृत्त का समीकरण इस तरीके से हुआ करता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, ध्यान हो तो आपको, तो टू डिग्री में, ठीक है, थ्री डिग्री में तो सर्कल बन जाता है, वो सर्कल क्या स्फीयर बन जाता है जैसे थ्री डायमेंशन में जाते हैं, तो यदि इसमें जेड भी आ जाए तो वहाँ थ्री डायमेंशन में, थ्री डी वाली बुक में तो वृत्त कैसे बन रहा था, एक गोला और एक प्लेन जब उसको काटता है। तो यदि मैं टू डायमेंशन में वृत्त का समीकरण लिखूं तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, और इस वृत्त का केंद्र हुआ करता था देखो माइनस जी कोमा माइनस एफ, और इसकी त्रिज्या हुआ करती थी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये था वहां पे। सेम यहां पे भी ऐसा ही है, कैसे कि देखो केंद्र क्या है, केंद्र बराबर जेड वन या माइनस ऑफ अल्फा, यही है। तो जेड वन यदि मैं ले लूं, कि मान लो अल्फा ले लूं मैं, कि यदि अल्फा बराबर कुछ ए प्लस आयोटा बी है, तो अब बताओ केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा ये हो जाएगा केंद्र, माइनस तो माइनस का ए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है ना भाई, तो माइनस का ए और माइनस का बी, तो इसको यदि मैं पॉइंट की फॉर्म में लिखूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस ए कोमा माइनस बी, तो माइनस ए कोमा माइनस बी, तो इसी टाइप से, ठीक है। और यदि मैं त्रिज्या निकालना चाहूँ तो त्रिज्या क्या होगी, देखो त्रिज्या का सूत्र ये रहा, आर बराबर मोड अल्फा का स्क्वायर माइनस सी। अब मोड अल्फा क्या होगा भाई, बताया था यदि अल्फा ये है तो इसका मोड क्या होगा, मोड अल्फा हो जाएगा रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ मोड अल्फा स्क्वायर है तो मोड अल्फा स्क्वायर से रूट हट जाएगा और साथ में सी की जगह सी, ठीक है। तो देखो दिख रहा क्या है, यहां पे त्रिज्या हुआ करती थी केंद्र के निर्देशांक के वर्गों का योग माइनस अचर पद, ये कि केंद्र के निर्देशांकों के वर्गों का योग माइनस अचर पद। और यदि आप यहां पे भी देखें तो सेम वही तो है कि केंद्र के जो निर्देशांक है उनके वर्गों का योग है माइनस अचर पद, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है साथ में, ये सी क्या थी, देखो कांस्टेंट टर्म ही तो थी, रियल कांस्टेंट को ही बोला था मैंने, वास्तविक अचर, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से है त्रिज्या, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, उसी टाइप से है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना आप, आगे जाके कई जगह काम में आएगा ये, ठीक है। अब देखो इसी में एक और है, और ज़्यादा जनरलाइजेशन करें यदि हम सर्कल की इक्वेशन का, ठीक है, तो इस तरीके से ए जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस, बुक में ही है देखो कांस्टेंट को क्या दिया हुआ था, ठीक है, आर्टिकल 1.6 है, प्लस में सी बराबर जीरो, ठीक है, ए इंटू जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड बार प्लस सी बराबर जीरो, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करें, एक वृत्त को निरूपित करें, ठीक है, तो उसकी केंद्र त्रिज्या बताओ, या फिर यूँ समझ लो कि एक वृत्त को निरूपित कब करेगी ये इक्वेशन, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, कि ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यदि ए जीरो हो गया तो आप खुद ही देखो ना, यदि ए जीरो हो गया तो सर्कल बचेगा क्या भाई, तब तो ये अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड बार प्लस सी इस टाइप से आ जाएगी कुछ, तो ये तो एक लाइन की इक्वेशन थी अभी, इससे प्रीवियस आर्टिकल में किया था हमने, इसी टाइप की थी लाइन की इक्वेशन, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए सर्कल बनने के लिए। और अब मान लो ए जीरो नहीं है तो इससे आगे की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, कि मान लिया ए जीरो नहीं है तो ए से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को मैंने ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है,
तो यहाँ भी ए, ठीक है, और साथ में यहाँ पे भी ए, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया, ए का भाग दे दिया, तो जेड जेड बार प्लस अल्फा अपोन ए प्लस अल्फा बार अपोन ए प्लस सी अपोन ए इक्वल्स टू ज़ीरो। आप कंपेयर कर लो आप इसका इसके साथ, ठीक है, तो देखो जेड जेड बार की जगह जेड जेड बार है, ठीक है, अल्फा बार जेड तो अल्फा बार की जगह ये है, ठीक है, अल्फा अल्फा की जगह ये है, और ये जो कांस्टेंट सी था उसकी जगह ये। अच्छा, उसका कोई इशू नहीं है स्टूडेंट, क्यों को लग रहा होगी यहाँ तो अल्फ़ा बार था यहाँ अल्फ़ा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो कोई भी नंबर है, अल्फ़ा बार मतलब कोई भी नंबर होगा, आप अल्फ़ा बार की जगह बीटा लिख लो भाई। मान लो ये अल्फ़ा है 1 + 3 iota, आप अल्फ़ा बार निकालोगे तो आ जाएगा 1 - 3 iota, तो अभी भी तो कोई नंबर ही है, तो इसको मैं बीटा बोल देता हूँ, ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो तो अल्फ़ा बार की जगह बीटा लिख लो एक तरीके से, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपने देखा था, तो ये इसी के जैसा ही है अब, तो इसमें आपने देखा था केंद्र क्या था भाई, इसका केंद्र था माइनस ऑफ, देखो कंसेप्ट, जेड बार का गुणांक, तो माइनस ऑफ जेड बार का गुणांक, तो यहाँ पे देखो आप क्या है, माइनस ऑफ जेड बार का गुणांक, तो जेड बार का गुणांक अल्फा बार अपॉन ए, तो ये हो गया इसका केंद्र, ठीक है। यदि अल्फा बराबर ए प्लस आयोटा बी हो तो बताओ केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा बार, तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट करो, ए प्लस आयोटा बी इसका बार अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा केंद्र माइनस ए, हाँ भाई बार का मतलब क्या होता है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा अपॉन, अच्छा सॉरी ए तो पहले से ही है ना भाई, तो ए वन प्लस आयोटा बी वन लो इसको, ए वन प्लस आयोटा बी वन, तो ये ए वन प्लस आयोटा बी वन और ये ए वन प्लस आयोटा बी वन अपॉन ए, ठीक है, तो अल्फा हमने क्या लिया, ए वन प्लस आयोटा बी वन, तो केंद्र क्या था माइनस अल्फा बार अपॉन ए, तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, बार का मतलब आयोटा की जगह माइनस आयोटा, ठीक है, तो ये हो गया केंद्र एक तरीके से, ठीक है। इसकी त्रिज्या निकालना चाहें तो इस वृत्त की, तो देखो त्रिज्या क्या थी, त्रिज्या, तो त्रिज्या किसके बराबर थी, आपको याद हो ये रहा फॉर्मूला, मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, या मैंने आपको बोला था कि जो केंद्र के निर्देशांक हो उनका मोड आएगा, ध्यान हो तो स्टूडेंट, ये अल्फा क्या था वहां पे, केंद्र का निर्देशांक था, ध्यान रहे, तो जो केंद्र के निर्देशांक हो, ठीक है, यहाँ पे अल्फा था केंद्र का निर्देशांक, तो जो केंद्र के निर्देशांक हो उनके मोड का स्क्वायर माइनस सी, तो केंद्र का निर्देशांक क्या है यहाँ पे, माइनस अल्फा बार अपॉन ए, ठीक है, उसके मोड का स्क्वायर और माइनस सी, तो सी था क्या, क्या था वहाँ पे, सी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो सी क्या था, सी था कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, सी बाई ए, तो सी बाई, ठीक है, ये माइनस अल्फा, एक बार चेक कर लें, केंद्र था, केंद्र क्या था, यदि मैंने केंद्र लिखा हो तो केंद्र था वहां पे माइनस ऑफ अल्फा, कि पहले जेड वन था केंद्र और जेड वन को लिखा था हमने माइनस ऑफ अल्फा, या माइनस ऑफ जेड बार का गुणांक, ये था, ठीक है, तो मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, वैसे तो देखो मोड की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट लिखना चाहें तो ये इस तरीके से आएगा, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ, केवल यही आएगा, अब उसका कारण समझ लें यही क्यों आएगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे लिखा था केवल मोड अल्फा, और अल्फा क्या था एक्चुअल में, अल्फा था केवल जेड बार का गुणांक, आपको याद हो तो यही था ना भाई, कि जो त्रिज्या थी उसमें क्या था, अल्फा था, ठीक है, तो मोड अल्फा का स्क्वायर माइनस सी, और अल्फा क्या था, अल्फा केवल जेड बार का गुणांक था, तो यहाँ भी केवल देख लेंगे जेड बार का गुणांक क्या है, अल्फा बार अपॉन ए, तो इसलिए अल्फा बार अपॉन ए, ठीक है, क्लियर है। तो जो केंद्र के निर्देशांक होते हैं वो तो होते हैं माइनस ऑफ जेड बार का गुणांक, तो आप क्या ध्यान रखोगे, केंद्र के निर्देशांक तो होते हैं माइनस ऑफ जेड बार का गुणांक, और जो त्रिज्या होती है उसमें क्या होता है, केवल जेड बार के गुणांक का मोड का स्क्वायर माइनस सी, इस त्रिज्या को आप यूँ भी लिख सकते हो किस तरीके से, कि रूट इस अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, जेड बार का गुणांक उसका मोड का स्क्वायर माइनस सी,
इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे पास में कि कोई भी जनरल फॉर्म हो तो उसका केंद्र तो हो जाएगा माइनस जेड बार का गुणांक और उसकी त्रिज्या हो जाएगी जेड बार के गुणांक के मोड का स्क्वायर माइनस सी। तो सेम उसी कंसेप्ट से कि केंद्र तो हमने क्या निकाल लिया, माइनस ऑफ जेड बार का गुणांक, तो माइनस की जगह माइनस, जेड बार का गुणांक ये रहा अल्फा बार अपोन ए, ठीक है। और जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, जेड बार के गुणांक के मोड का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट, तो जेड बार के गुणांक के मोड का स्क्वायर, जेड बार का गुणांक ये रहा उसके मोड का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट। देखो कॉन्स्टेंट यहाँ सी बाई ए है भाई, ध्यान रहे यहाँ सी था कॉन्स्टेंट जबकि यहाँ क्या है सी बाई ए। तो ओवरऑल दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि केंद्र का मतलब माइनस जेड बार का गुणांक और त्रिज्या का मतलब जेड बार के गुणांक के मोड का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट। तो ये केंद्र और ये त्रिज्या कि जेड बार के गुणांक के मोड का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट, ठीक है, जो भी कॉन्स्टेंट है। इसके बाद में यदि मैं बात करूँ तो आप देखो इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं बस, किसको, इस एक्सप्रेशन को। तो देखो एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप चाहे तो अल्फ़ा का मोड लें चाहे अल्फ़ा बार का मोड लें, एक ही बात है। देखो ये ए तो कोई वास्तविक संख्या है भाई, तो यहाँ तो ए का स्क्वायर मोड ए का मतलब, देखो कोई भी वास्तविक संख्या हो तीन, तो तीन का मोड क्या होगा तीन ही हो जाएगा। दूसरी वास्तविक संख्या है माइनस चार, तो इसका मोड क्या होगा प्लस चार, तो वास्तविक संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। तो ए तो कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं, ए और ये सी क्या है वास्तविक अचर है, ध्यान रहे भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ए और सी वास्तविक अचर है, ठीक है। तो ए तो कोई वास्तविक संख्या है तो इसके लिए तो डायरेक्ट ए स्क्वायर, लेकिन अल्फा बार कहाँ आता है, ये रहा अल्फा बार, ठीक है। तो अल्फा बार का मोड लेना है तो मोड आएगा अंडर रूट में, लेकिन स्क्वायर भी है तो अंडर रूट स्क्वायर की वजह से क्या होगा हट जाएगा, तो ये आएगा अंडर रूट तो हट जाएगा, तो एक कुल मिला के आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में सी अपॉन ए, तो अल्फा बार का मोड का स्क्वायर आ गया ये, और ये ए स्क्वायर वास्तविक संख्या थी ऐसे ही रहेगी, ठीक है, इसका मोड ए खुद ही आएगा। और यहाँ पे यदि अब मैं देखो क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं कॉमन ले सकता हूँ ए स्क्वायर, ठीक है, वो सॉरी एलसीएम ले सकता हूँ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यदि मैं एलसीएम ले लूँगा तो ये बनेगा ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, और ये ए इसके साथ गुणा हो जाएगा तो माइनस ए सी, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लो आप इसको, या फिर इसी को ही देखो आप इस यूँ भी लिख सकते हो सेम इसी को ही, कि ये देखो मोड ऑफ अल्फ़ा बार का स्क्वायर, ठीक है, कि मोड ऑफ अल्फ़ा बार का स्क्वायर, तो अल्फ़ा बार का मोड लो या अल्फ़ा का मोड लो एक ही बात है, तो इसलिए मैंने मोड अल्फ़ा लिख दिया यहाँ पे, ऐसे भी सही है, और एक दूसरे तरीके से जैसे बुक में लिखा हुआ है उसके हिसाब से समझाना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको। देखो तो आपको ये प्रॉपर्टी पहले बताई जा चुकी है, मोड अल्फ़ा बार बराबर मोड अल्फ़ा होता है, तो मोड अल्फ़ा बार की जगह मोड अल्फ़ा लिख दिया, ए का मोड आपने लिया तो वो ए स्क्वायर खुद ही आ गया। मोड अलग अलग हो जाता है ना भाई भाग में, इसका मोड अलग से ले सकते हैं, इसका मोड अलग से ले सकते हैं, ठीक है, मापांक के गुणधर्म में बता चुके हैं। माइनस सी अपोन ए, यहाँ पर आप एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो ये आएगा, देखो ए स्क्वायर तो आ गया एलसीएम, ये मोड अल्फ़ा स्क्वायर तो ऐसे कैसे, और ये सी इंटू ए माइनस ए सी, ठीक है, और साथ में क्या होगा, और साथ में ये हो जाएगा अब ये जो आपको मोड अल्फा स्क्वायर दिख रहा है, तो मोड अल्फा स्क्वायर भाई सेम वही मोड जेड स्क्वायर क्या होता है जेड जेड बार, तो मोड अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा अल्फा बार माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर, इस तरीके से। तो अब ये है वृत्त की त्रिज्या, तो इस तरीके से लिख लो त्रिज्या, या इस तरीके से लिख लो एक ही बात है। तो ये वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त वास्तविक होगा, तो वृत्त वास्तविक होगा यदि, कब होगा भाई वृत्त वास्तविक, जब त्रिज्या क्या हो धनात्मक, तो एक तरीके से अल्फा अल्फा बार माइनस ए सी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, तब वृत्त क्या हो जाएगा वास्तविक, ठीक है। यदि ये जीरो हुआ तो पॉइंट सर्कल बिंदु वृत्त, और ये काल्पनिक हुआ तो वृत्त बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो वृत्त वास्तविक होगा जब ये कंडीशन अप्लाई हो,
क्लियर। तो ओवरऑल क्या सीखा हमने कि जो जेड बार का गुणांक हो उसका नेगेटिव ये हो तो जाएगा केंद्र, और त्रिज्या निकालनी हो तो अंडर रूट ऑफ जेड बार के गुणांक के मोड का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट। तो इस टाइप से जब भी आपको जनरल इक्वेशन दी गई हो तो पहले आप जेड जेड बार का गुणांक जरूर बना लें, तो यहाँ पे जो भी हो उसका डिवाइड करो और फिर डायरेक्ट कंपेयर करके कि जो भी जेड बार का गुणांक है उसका नेगेटिव तो केंद्र, और त्रिज्या निकालनी हो तो जेड बार के गुणांक के मोड का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, कॉन्स्टेंट की जगह देख लेंगे जो भी है। तो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो हमको केंद्र त्रिज्या निकालनी पड़ जाए कभी तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखें ये इक्वेशन दी हुई है आपको जेड जेड बार और ये ले लो 2 + 5i। ठीक है, इंटू जेड 2 - 5i इंटू जेड बार प्लस में 2 = 0। तो ये एक समीकरण है। ठीक है, तो एक वृत्त का समीकरण है। कैसे है, क्योंकि देखो आप इसका वृत्त का जो व्यापक समीकरण है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उससे कंपेयर करो, इस तरीके से था वो जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस सम कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू जीरो, इसी टाइप से था ना भाई। और इसके रिगार्डिंग आपको केवल दो चीज़ें ध्यान रखनी थी, केंद्र बराबर माइनस ऑफ जेड बार का गुणांक और त्रिज्या, इसको मैंने थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिख दिया था कि जेड बार का गुणांक जो भी है उसके मोड का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट अचर पद जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें आप जेड बार का गुणांक क्या है, पहली बात तो क्या है भाई जेड बार का गुणांक 2 - 5i। तो पहले तो एक बार आप चेक करके ये भी देख लें कि ये फॉर्म और ये फॉर्म मैच भी कर रही है या नहीं कर रही, तो सी होनी चाहिए अचर वास्तविक संख्या, तो सी की जगह 2 है, अचर वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, कॉन्स्टेंट है। अल्फा बार जेड बार, यदि देखो जो जेड बार का गुणांक है जेड बार का गुणांक ही है, यदि मैं इसको अल्फा बोलता हूँ 2 - 5i को, तो बताओ अल्फा बार क्या होगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा। तो यदि जेड बार के गुणांक को आप अल्फा बोल रहे हो, तो यदि जेड बार के गुणांक को आप अल्फा बोल रहे हो तो अल्फा बार जेड के साथ में होना चाहिए, तो अल्फा बार मतलब 2 + 5i जेड के साथ में होना चाहिए, है दिख रहा है 2 + 5i जेड के साथ में, तो मतलब यही फॉर्म है। तो इस फॉर्म में जो जेड बार का गुणांक है वो तो हो गया 2 - 5i, तो केंद्र, तो ध्यान दे केंद्र क्या होगा माइनस ऑफ जेड बार का गुणांक, तो माइनस ऑफ जेड बार का गुणांक, तो माइनस ऑफ जेड बार का गुणांक। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 5i। पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो -2, 5। अच्छा ये जो सिंबल है ना भाई वो इक्विवेलेंट का है कि इसी को हमने ये बोल दिया है, बराबर नहीं है एक्चुअल में, ये तो पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है -2 + 5i से। हाँ, काम दोनों का एक ही है, ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी उसी को कर रहा है। ठीक है, बराबर नहीं है, इक्विवेलेंट है, इसको कुछ देर के लिए ये बोल दिया। ठीक है, जो इसका काम है सेम वही इसका है। अगला है त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या है, अंडर रूट ऑफ जेड बार का गुणांक उसके मोड का स्क्वायर, तो जेड बार का गुणांक ये रहा, ठीक है, इसके मोड का स्क्वायर, तो इसका मोड क्या होगा, अंडर रूट में आएगा, क्या आएगा अंडर रूट में, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर। अब ये का स्क्वायर कैसे हो गया भाई, देखो ना यहाँ पे जेड बार के गुणांक के मोड का स्क्वायर है, तो मोड रूट में आता है लेकिन उसका स्क्वायर भी तो है, तो मोड रूट में आता है लेकिन उसका स्क्वायर भी है, और मोड का क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, क्लियर। माइनस कॉन्स्टेंट टर्म सी, तो सी की जगह क्या लिखा हुआ दिख रहा है 2, तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म 2, तो आ गया रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, -5 का स्क्वायर 25, रूट हट ही जाएगा स्क्वायर की वजह से, -2, 25 और 4 29, 29 में से 2 गए तो 27, 27 को क्या लिख सकते हैं 9 × 3, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, रूट में 3 बच जाएगा। तो देखो ग्रेटर देन 0 मतलब ऐसा व्रत एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वास्तव में ऐसा व्रत बनेगा।
तो आज का हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो आपको यदि आगे और भी चाहिए ठीक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।